इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे स्प्लाइन क्या होता है और इसे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलिए स्प्लाइन ड्रॉ करते हैं। स्प्लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में सीखा था। तो आप इन तीनों प्लेनों में से कोई एक प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे टॉप प्लेन सेलेक्ट करने वाले हैं। टॉप प्लेन सेलेक्ट करने के लिए टॉप प्लेन वाले आइकन पे राइट क्लिक करें और स्केच का जो आइकन है इस पे क्लिक करें। तो अब आप स्केच मोड में आ गए। अब हम यहाँ पर स्प्लाइन के बारे में कुछ जानेंगे और फिर स्प्लाइन कमांड की मदद से स्प्लाइन ड्रॉ करेंगे। स्प्लाइन कमांड, इसमें पहला है स्प्लाइन और दूसरा है स्टाइल स्प्लाइन। स्प्लाइन को हम बी स्प्लाइंस भी कहते हैं। इट इज़ यूज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स कर्व। यू कैन डिफाइन एंड मॉडिफाई देम यूजिंग सेवरल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग स्प्लाइन पॉइंट्स। इसका मतलब यह है कि ये जो स्प्लाइंस है इसको कंट्रोल करने के लिए हम पॉइंट्स का यूज करते हैं। दूसरा है स्टाइल स्प्लाइंस। स्टाइल स्प्लाइंस इज ए बेस्ड ऑन बेजर कर्व्स। बेजर कर्व्स इज अप्रॉक्सीमेट कर्व्स। इट इज नियर अबाउट कंट्रोल पॉइंट्स। यहाँ पे जो कर्व बनेगा वो कंट्रोल पॉइंट के नज़दीक बनेगा, ना कि उसमें टच करेगा। तो चलिए एक एक करके ड्रॉ करते हैं और देखते हैं ये कैसे परफॉर्म करता है। पहला हम स्प्लाइंस ड्रॉ करेंगे। स्प्लाइन ड्रॉ करने के लिए स्प्लाइन कमांड का आइकन दिखाई दे रहा है। यह है स्प्लाइन कमांड का आइकन। इसके बगल में एक छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक करें तो देखिए पहला है स्प्लाइन, दूसरा है स्टाइल स्प्लाइन और तीसरा है इक्वेशन ड्रिवन कर्व। तो अभी हम दो देखेंगे, स्प्लाइन और स्टाइल स्प्लाइन, और आगे की वीडियो में हम इक्वेशन ड्रिवन कर्व देखेंगे। तो स्प्लाइन पे क्लिक करें तो अब आपका स्प्लाइन कमांड एक्टिव हो गया। अब आप उस पॉइंट पे क्लिक करें जहाँ से आप स्प्लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली लेक्चर में सीखा था कि कोई भी स्केच हम ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम स्केच को आसानी से फुल्ली डिफाइन कर पाएंगे। तो यहाँ भी हम स्प्लाइन ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। तो ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करें और ड्रैग करें ऊपर की तरफ। दूसरा इस पॉइंट पे क्लिक करें तो देखिए स्प्लाइन कर्व बनना शुरू हो गया। दूसरा आप इस पॉइंट पे क्लिक करें, तीसरा इस पॉइंट पे क्लिक करें, चौथा इस पॉइंट पे क्लिक करें और कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। तो आपका स्प्लाइन कमांड की मदद से एक स्प्लाइन तैयार हो गया। अब इस स्प्लाइन पे क्लिक कीजिए तो इसमें आपको हर एक पॉइंट पे एक एरो दिखाई दे रहा है। आप इस एरो की मदद से इस स्प्लाइन में रिलेशन लगा सकते हैं और डायमेंशन दे सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और मेक वर्टिकल, तो ये वर्टिकल हो गया। उसी तरह स्प्लाइन पे क्लिक करें और ये एरो पे क्लिक करें और मेक हॉरिजॉन्टल, तो देखिए यह हॉरिजॉन्टल हो गया। इसे इस एरो पे क्लिक करें
मैक हॉरिजेंटल, ओके। तो आप इसकी मदद से रिलेशन लगा सकते हैं और इसमें डायमेंशन भी दे सकते हैं। डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करें, तो अब आपका डायमेंशन कमांड एक्टिव हो गया। अब आप इस पॉइंट पे क्लिक करें और इसका डायमेंशन दीजिए 150, एंटर, ओके। सीधा इस पॉइंट पे क्लिक करें और इसका डायमेंशन दीजिए 180, एंटर। इसी तरह इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए और इसका डायमेंशन दीजिए 120, एंटर, ओके। आप चाहें तो डायमेंशन एडिट भी कर सकते हैं। डायमेंशन एडिट करने के लिए डायमेंशन पे डबल क्लिक करें, तो आपके सामने डायमेंशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसमें आप डायमेंशन टाइप कीजिए, जैसे हम यहाँ पे 100 mm टाइप करेंगे और एंटर, तो देखिए ये छोटा हो गया। उसी तरह यहाँ पे 180 है, इस पे डबल क्लिक करें और 150, एंटर, देखिए छोटा हो गया। तो आप आसानी से स्प्लाइन कमांड की मदद से स्प्लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसमें डायमेंशन दे सकते हैं और रिलेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्टाइल स्प्लाइन। स्टाइल स्प्लाइन ड्रॉ करने के लिए स्प्लाइन कमांड का जो आइकन है, इसके बगल में एक छोटा सा आइकन है, इस पर क्लिक करें और स्टाइल स्प्लाइन पे क्लिक करें। तो अब आपका स्टाइल स्प्लाइन का कमांड एक्टिव हो गया। अब आप पहला उस पॉइंट पे क्लिक करें जहाँ से आप स्टाइल स्प्लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। तो हम ओरिजिन पॉइंट पे क्लिक करेंगे और दूसरा इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और तीसरा इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और चौथा इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और पांचवा इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। कमांड से बाहर जाने के लिए राइट क्लिक करें और सेलेक्ट पे क्लिक करें। अब इसमें डायमेंशन दीजिए। डायमेंशन देने के लिए आप इस पॉइंट और इस पॉइंट का डायमेंशन दे सकते हैं, फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट का डायमेंशन दे सकते हैं, और ये दोनों के बीच का एंगल दे सकते हैं। तो चलिए डायमेंशन देते हैं। डायमेंशन देने के लिए स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करें और इस पॉइंट और इस पॉइंट पर क्लिक करें और इसका 90 mm, एंटर, इस पॉइंट और इस पॉइंट का 90 mm, एंटर। अब इन दोनों के बीच का एंगल दीजिए, तो इस लाइन पे क्लिक करें और इस लाइन पे क्लिक करें और इसका 75, एंटर। देखिए उसी तरह इस पॉइंट और इस पॉइंट का डायमेंशन दीजिए सिक्सटी फाइव, एंटर, इस पॉइंट और इस पॉइंट का 90, एंटर। अब इसमें एंगल दीजिए, इस लाइन और इस लाइन को क्लिक करें और इसका भी 75, एंटर। अब हम इसका एंगल देंगे, स्मार्ट डायमेंशन पर क्लिक करें, इस लाइन और इस लाइन का 75, ओके ओके करें। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से स्टाइल स्प्लाइन कमांड की मदद से हमने एक स्केच ड्रॉ किया। तो आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों हमें लिखें आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।